हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हूं माधवी रश्मि और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही आसान ट्रिक मेहंदी लगाने की। पूरा फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन है, कम समय में लग गया है, यकीन मानिए इसका फाइनल लुक आप देखते रह जाएंगे। ये सिंपल शादी का कार्ड था, जो मैंने सर्कल वाला हिस्सा था वो मैंने कट करके अपने हैंड पे लगाया है। अभी आप देखना, यहाँ पे मैंने 3-4 हिस्सों में सेलो टेप लगा दिया है, आप देख सकते हैं, बड़ा आसानी से दिख भी रहा होगा। और ये वही सर्कल है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, और ये मैंने टेप की हेल्प से इसे लगा दिया है। और इसके आसपास में मेहंदी के डिज़ाइन को अप्लाई कर रही हूँ, और आप देखेंगे कि जो इसके खाली वाला हिस्सा है ये मैं भर दे रही हूँ। आप फिंगर से लगा सकते हैं और या मेहंदी कौन से, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। बहुत आसान तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स, बिगिनर्स के लिए लेके आई हूँ मैं वीडियो। बहुत सारे बिगिनर्स के कमेंट आ रहे हैं कि उन्हें मेहंदी लगानी है, बहुत आसान तरीका बताइए कि उनके हाथों में भी फुल हैंड ब्राइडल जैसी मेहंदी डिज़ाइन लग पाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को फाइनल लुक इसका देखने के बाद ना वाकई में आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करेंगे। अरे अगर नहीं पसंद आए तो बुरे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे छोटे छोटे से डिज़ाइन अप्लाई कर रही हूँ पूरे मेहंदी डिज़ाइन में। मैंने इजी स्टेप डाले हैं मेहंदी डिज़ाइन के, तो प्लीज़ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट कर रही हूँ पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए स्पेशली बनाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो आसपास का डिज़ाइन है ये भी बहुत आसान है, सर्कल जैसा बना रखा है, और इसको मैंने आसपास जो आउटलाइनिंग है थोड़ी सी डार्क कर दी है ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। और ये जो लाइनिंग कर रही हूँ ये भी मैंने थोड़ी सी डार्क करी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो टेप वाला हिस्सा है वो मैं हटा दे रही हूँ, काफ़ी मतलब अच्छा लगता है जब वो टेप हटता है ना, उसके बाद जो शार्प से लेकर लाइन आती है बड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं डबल लाइनिंग करने के बाद छोटे छोटे से डिज़ाइन अप्लाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस बीच मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं ब्राइडल मेहंदी के, अरेबिक मेहंदी के, और टैटू डिज़ाइन डाले हैं। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे हैं। और कुछ तो मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट के ही डाले हैं, कुछ नहीं, इस बीच मेरे ख्याल से सारे वीडियो में आप लोगों की रिक्वेस्ट के ही डाल रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको सभी बहुत पसंद आएंगे। अगर कुछ नया डिज़ाइन ट्राई करने वाले हैं तो एक बार माधवी के चैनल पर जाके ज़रूर देखना, मतलब मैं ही और मेरा ही चैनल है माधवी रश्मि के नाम से। और यहाँ पर जो डिज़ाइन है ये भी बहुत आसान है, पत्तियों वाला डिज़ाइन था, ये भी मैंने अपने चैनल पर बताया है आपको कैसे लगता है, तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ढूंढने में वीडियो, तो इसलिए देख सकते हैं। यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाया है सिंपल है, थोड़ा सा आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। वरना मैं आपको इसका एक जब वीडियो बनाऊंगी मेहंदी क्लास का, वहाँ पर मैं आपको बहुत आसान तरीका और थोड़ा सा स्लोली स्लोली बताऊँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बस मैं आपको थोड़ा सा स्पीड इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि सभी के पास बहुत सारे काम होते हैं और इस वक्त तो वैसे ही फेस्टिवल का टाइम है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो फ्लावर बना के भरवा लुक दे दिया है, बहुत आसान है। और मतलब फ्लावर आप अपनी पसंद का कोई भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ सर्कल बनाया है और उसके अंदर चेक कर रही हूँ मैं, आप चाहो तो चेक को भरवा चेक कर सकते हो। मैंने छोटे छोटे से फ्लावर अप्लाई किए हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान, कोने कोने पे आपको डॉट डॉट जैसे लगा देना होता है, तो जो 4 डॉट लग जाते हैं उसकी वजह से वो फ्लावर जैसा लुक आ जाता है, और मेरे ख्याल से आपको अच्छा भी लग रहा होगा। यहाँ पे लाइनिंग कर दिया है, बीच में एक सर्कल जैसा किया है, और जितना भी डिज़ाइन है ना पूरा इजी स्टेप से है, और मेरे ख्याल से अगर आप बिगिनर हैं बड़ी आसानी से लगा लेंगे, और अगर आपने रिक्वेस्ट की थी ब्राइडल मेहंदी की और इजी स्टेप से लगाने वाली, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। जो हथेली में डिज़ाइन बना हुआ है, सॉरी मैं अभी यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पे सिंपल लाइनिंग करी है और डॉट लगा दिए हैं, और उसके बाद जो हथेली वाला हिस्सा है यहाँ पे जो टेप लगाया है मैंने, यहाँ पे आप अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने करवा चौथ के लिए वीडियो बनाया है, तो मेरे ख्याल से अगर आप चाहती हैं लिखना तो आप लिख सकती हैं यहाँ पे, या फिलहाल जिसके लिए भी मेहंदी लगा रही हैं, नहीं लगा रही हैं किसी के लिए भी और ऐसी शौक पे लगा रही हैं, तो आप यहाँ पे कोई डिज़ाइन ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैं पत्तियों जैसा ही बना रही हूँ चेक, बड़े बड़े चेक बना के, ताकि अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये पत्तियाँ बनाने में कोई मुश्किल ना आए, इसलिए मैंने ये बड़े बड़े बना दिए। और पूरा क्योंकि बिगनर्स के लिए है तो मेरे ख्याल से आपको पूरा डिज़ाइन बहुत आसान लगा होगा। और ये अंदर डॉट कर दिए हैं, और जो टेप वाली जगह थी यहाँ पे मैंने स्वीट हस्बैंड लिखा है फिलहाल,
क्योंकि मैं अपने फ़ोन पे अपने हस्बैंड का नाम स्वीट हस्बैंड से ही सेव कर रखा है। सॉरी, वैसे बताना नहीं चाहिए था। और आप जो भी नाम चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। कभी कभी जैसे कुछ लोग साइड में लिख देते हैं, तो भाई साइड में लिखने की क्या ज़रूरत है, सामने लिखे ना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैंने फिंगर को भर दिया है, फाइनली पूरा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। फाइनल लुक देखने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको जल्दी जल्दी से देखने को मिल सके। तो कैसा लगा डिज़ाइन मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।